कि आज हमें हमारा गुरु पूर्णिमा का स्पेशल सेशन रखना है। आज हम गुरु पूर्णिमा को विस्तृत जानेंगे, साधना कम जो गुरु ने दिया है। और आज के इस परिवेश में हम डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग परिवार के लोग गुरु पूर्णिमा को किस रूप से लें। देखिए, जो परंपरा है चली आ रही है शुरू से लेकर अभी तक, गुरु पूर्णिमा आती है, हर गुरु पूर्णिमा, एवरी गुरु पूर्णिमा वी हैव टू ऑल ओवर गुरु, अगर नहीं है तो भी किसी कोई बना गुरु के हमको ये शो करना है कि हमारा भी कोई गुरु है। सो जस्ट आई ऑफर द ब्लेसिंग टू ऑल ऑफ यू, ऑल लॉट ऑफ पीपल आर हियर, आई एम वेरी हैप्पी टू सी माई फ्लावर। फर्स्ट ऑफ ऑल भारती जी ब्लेसिंग्स, भारती जी के पास में इनको भी ब्लेसिंग, गुरु पूर्णिमा का आशीर्वाद। हर्ष जी आपको ब्लेसिंग, जया जी आपको ब्लेसिंग, अमर जी ब्लेसिंग, एलेवेली ब्लेसिंग, बेटा शुभम ब्लेसिंग, स्वाति ब्लेसिंग, रियली आई एम फीलिंग सो हैप्पी टू सी माई फ्लावर्स, स्वाति बेटा ब्लेसिंग्स, पपिया ब्लेसिंग्स, नीरू जी ब्लेसिंग, अनिल जी ब्लेसिंग्स, अंजू जी ब्लेसिंग्स एंड मंजू जी ब्लेसिंग्स, अश्विन जी ब्लेसिंग्स एंड हेमलता जी नमस्कार। और हमारा सुचिंद्रा आफ्टर लॉन्ग टाइम कलकत्ता के ऑन द लाइन, सुचित्रा ब्लेसिंग, सुश्री ब्लेसिंग्स एंड अविनाश जी, संतोष जी को नमस्कार प्रणाम, अनीता जी ब्लेसिंग्स, रूपा जी ब्लेसिंग्स, कृष्णा वेनी एंड वाओ टुडे वन मोर गेस्ट, चीफ गेस्ट, ओ माय गॉड, बोला आल्सो हियर, वेरी गुड वेरी गुड, सो नाइस टू सी, ओ माय गॉड, रियली आई नीड 5 मिनट्स to see my lovely faces. How are you, Bala? How are you? Good? Good, good. Thank you. Thank you, Guruji. Thank you. Good. After a long time, I'm seeing the Bala. But anyway, if you're not with me, it means you are with your work. You are with responsibilities. Aap apni jawabdariyon ke saath hai. Krishna Meni ji, is it Greg there? कृष्णवेणी जी, आई एबल टू जस्ट चेक गया जी, है ना? Yeah. हम चाहेंगे ग्रेग कुछ बोले। कृष्णवेणी जी, आई हैव अनम्यूटेड यू, आस्किंग यू टू अनम्यूट। दिस कपल इज वेरी ब्लेस कपल, रियली सी दे आर इन द सिएटल, द वेरी ब्लेस कपल एंड हस्बैंड ग्रेग, इट्स वेरी वेरी, ही नो ऑल द चेंटिंग ऑफ भगवद गीता इंक्लूडिंग द बाइबल। Anyway, so we are talking about the Guru Purnima and Divine Astro Healing Family member. I already sent one blog in Hindi. Maybe possible you will get that tomorrow in English. Kya mahatva Guru Purnima? Ab aap mein se main kuch logon ko voluntary bolna chahunga ki what they understand from the Guru Purnima. How many? Anybody? Yeah, should I authorize? मैं ही बोलूं, मुझे ही बोलना पड़ेगा। सुचिंद्र बताओ आप। जया जी अनम्यूट करें सुचिंद्र जी को। गुरुजी, मुझे लगता है कि गुरु पूर्णिमा हम जिनको भी अपना गुरु मानते हैं उनको नमन करते हैं इस दिन, उनसे उनको हम अपना ग्रैटिट्यूड हम एक्सप्रेस करते हैं, यही बोलना था। एनीबॉडी एल्स? अब एनीबॉडी, मैं दो तीन जनों को बोलूंगा क्यों बोले। अश्विन तुम बताओ बेटा। सुश्री जी इज रेजिंग हैंड। सुश्री जी, आई एम अनम्यूटेड। सुश्री, यस, वी आर नॉट गेटिंग योर वॉइस, यू आर नॉट ऑडिबल। सुश्री जी, not yet, now check your audio, till then Ashwin, are you here? Yeah, I have unmuted you, Ashwani ji. Ha, pranam guru ji, aaj subah session mein tha na tu? Ji, guru ji, you know it, the guru purnima kya hoti, aaj humne bahut bataya subah,
चलो इन्हीं बहुत पता है, आप भी बताएं, हमारे मुख से निकला आपके लिए, बताइए। गुरु जी, जैसे आपने बताया था सुबह कि गुरु एक वाणी है जो आप गुरु लोग बोलते हैं, उसको शिष्य लोग अपने कर्म के द्वारा उसको अपने आचरण में उतार कर उसको पूरा करते हैं, तो वही शिष्य कहलाता है। गुरु जी, गुरु एक पांच तत्व का शरीर ही नहीं है, गुरु अपने वाणी के माध्यम से अपने शिष्य को एक संदेश देता है कि क्या नाम है, ये इस तरह से करना है, और शिष्य लोग उसको करके अपने आप को सही मायने में शिष्य सिद्ध करते हैं। वेरी गुड नमस्ते गुरु जी। आज तो वो दिन होता है जो गुरु को याद करके उनको आधार करते हैं, उनको बहुत भविष्य दे के आधार करते हैं, इसलिए गुरु पूर्णिमा बोलते हैं इसको। वेरी गुड। एनीबडी वांट टू एड इन द बालाजी स्टेटमेंट? आज जिन लोगों ने बोला है आप बोलिए ना, गुरु आज आपको आगे चल के बोल रहा, गुरु की बात माने। देखिए आप सब में भी कुछ भी बोलना है आप, भाई व्हाट यू अंडरस्टैंड, या वो गुरु पूर्णिमा आ गई, मैसेज आ गया तो लगे अपने गुरु को प्रणाम करने, क्यों गुरु की याद सिर्फ गुरु पूर्णिमा पे आती है? गुरु एनीबडी मोर? स्वाति तुम बताओ, स्वाति सेटर अनम्यूट करो स्वाति जी को। गुरु जी प्रणाम। गुरु तत्व जो होता है हमारे अंदर, जो गुरु हमें, गुरु जी हमें गाइड करते हैं गुरु तत्व को रियलाइज करने में, वो एलिमेंट को एक्नॉलेज करना आज। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ आई कम, गुरु पूर्णिमा एक पूर्णिमा का त्योहार है। हर वर्ष हर माह में एक पूर्णिमा आती है जिसको अलग अलग एलिमेंट से जोड़ा गया है, किसी को शरद पूर्णिमा, किसी को बुद्ध पूर्णिमा, ये आप जानते हैं। पुरुषोत्तम मास की यह अधिक मास में तो चल रहा है अभी, एक पूर्णिमा फुल मून होता है, उसको हम गुरु पूर्णिमा के रूप में कहते हैं। माय डियर, नॉर्मली वी आर व्हाट वी आर डूइंग व्हेन वी कम टू नो टुमारो इज अ गुरु पूर्णिमा, हो कौन अपने गुरु हो ढूंढो उनको और उनको प्रणाम करो, एंड अगर नहीं है तो जस्ट सेंड द एसएमएस हैप्पी गुरु पूर्णिमा, या नीचे अपनी कंपनी का या अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दो। अभी देखना कल चालू होगा, हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल, 60% डिस्काउंट डाउन साइड, स्पेशल ऑफर ऑन द गुरु पूर्णिमा। ऑल आर बिकम मार्केटिंग टू What is Guru Purnima? Guru never complete by knowledge and Shishya never complete by knowledge. Any Guru is not complete with the full knowledge. कोई भी गुरु, हर गुरु शिष्य है। अगर कोई भी गुरु ये क्लेम करता है कि मुझे सब आता है, सब ज्ञानी हूं, वो कह गई नहीं पहली बार। तो ये प्रोसेस है एक ज्ञान देने की और ज्ञान लेने की। गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा इज अ वन डे वेर यू कैलकुलेट यूर सेल्फ वॉट एवर गुरु डिलीवर्ड इन होल ईयर, हाउ मच यू अप्लाई ऑन यूर सेल्फ। जिसको भी आप गुरु मानते हैं, रिस्पेक्ट ऑल फॉलो वन, किसी एक को गुरु मान लिया, वो भले आपका खंबा हो या कोई चीज हो, एनीथिंग, गुरु भगवान जो मानना मानो, लेकिन सदगुरु के मामले में आओगे तो आप एक पंचतत्व शरीर पे आओगे। मैं इसको थोड़ा एक तरफ करते हूं, गुरु का क्या है, हम गुरु का कार्य है ज्ञान सप्लाई करना, और शिष्य का काम है नॉलेज को अप्लाई करना। तो द सप्लाई मैनेजमेंट और अप्लाई एनेजमेंट, द कैलकुलेशन ऑफ सप्लाई एंड अप्लाई इज इक्वल टू गुरु पूर्णिमा। अपने जीवन को चेक करें कि एक साल पहले तक गुरु ने क्यों कहा जा जो आपको बात बोली, वॉट एवर नॉलेज दे गिवन, हाउ मच यू अप्लाई ऑन यूर सेल्फ एंड हैव यू फील एनी बेनिफिट ड्यू टू दैट।
मैं यहाँ पे कंडीशन डालने की नहीं बात कर रहा हूं, अगर उससे ज्ञान से आपने उस ज्ञान को अपने जीवन में अमल किया, अप्लाई किया आपने अपने ऊपर, उसकी कृतज्ञता देना गुरु पूर्णिमा है। गुरु आप में भी गुरु मौजूद है। आज स्वाति वेद के लिए गुरु है, गुरु मतलब सब कुछ उस पर छोड़ दो, अपना कर्ता भाव छोड़कर सब कुछ छोड़ दो। अब स्वाति का बच्चा वेद, उसने सब कुछ मां पे छोड़ दिया कि मां जो करेगी मेरे हित का करेगी। बच्चा है वर्षा का बेटा है हेमलता जी गोद में, अब ये मां को जानता, बस मां इसका पूरा हित करेगी, तो मां पूर्ण गुरु हुई। इसीलिए हम कहते हैं गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा। बट आप लोगों के जीवन में गुरु कब आता है? जब आप परेशान होते हो, जब तकलीफ में आते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सदगुरु? नॉलेज कोई आगे चल के ज्ञान सीखने नहीं आता, सब अपनी तकलीफों को दूर करने के लिए उस गुरु के पास जाते हैं। कैसे इस जिंदगी की संघर्ष की यात्रा पूरी करूं, कैसे मेरे काम को लोभ इच्छा पे कंट्रोल करूं, कैसे मैं इस दुख की नैया पार करूं। आप बनो मेरी नैया की खेमा, मुझे बताओ। वही गुरु जो आप लोग किसी एक शरीर में देख रहे हैं, आपसे जुड़े हुए न जाने कितने लोग वो आपको गुरु के रूप में देख रहे हैं। जैसे हमने कहा स्वाति, स्वाति को वेद गुरु के रूप में देखना, उसको कोई गुरु से मतलब नहीं। वेद ये स्वाति बोलती होगी गुरु जी ये प्रणाम कर लो, प्रणाम कर लेगा, लेकिन मतलब वो स्वाति से ही रखेगा। तो अपने आप के गुरु एलिमेंट को एक्टिवेट करना, और हाउ मच नॉलेज यू डिलीवर्ड टू यूअर्स इज अप्लाई बाय यूअर्स। बच्चे को बोला कि बेटा 8 o'clock पे मुझे, आप घर लड़की हैं, आप घर आना चाहिए प्लीज। अगर 8 बजे बच्ची आ रही तो यू आर, मतलब आपने कुछ एक सक्सेस करी है गुरु एलिमेंट के रूप में। इट्स अ वन टाइप ऑफ डिसिप्लिन, बट आई एम टेकिंग इन द कैटेगरी ऑफ नॉलेज। ऐसा नॉलेज जो सदक्षता पैदा करे। नॉलेज मतलब क्या? ज्ञान आपके जीवन के सुख दुख से लड़ने की ताकत के तरीके बताए। जीवन एक संघर्ष है, लड़ाई है, सब गुरु की कृपा से हो रहा है। मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता। आपके संघर्ष में, तकलीफ में, परेशानी में, वह गुरु के वाक्य कितने काम आ रहे हैं, इसका चिंतन भी गुरु पूर्णिमा की पूर्णता को दर्शाता है। मेरा आप लोगों से निवेदन है, गुरु पूर्णिमा एक दिन है, एक एग्जाम का रिजल्ट है। जिस प्रकार आपका बच्चे 1 जुलाई को रिजल्ट आता बच्चों का एग्जाम का, उसी प्रकार गुरु पूर्णिमा एक प्रकार का कैलकुलेशन रिजल्ट है कि हमने गुरु से क्या लिया और क्या गुरु को कुछ नहीं चाहिए। आपने अपने ऊपर अप्लाई क्या किया उस ज्ञान को, और आपको भी कोई लोग गुरु के रूप में देखते हैं, क्योंकि जीवन भर ये मेरा आज आपको बोलना है, आखिरी सांस तक अपने अंदर सीखने के भाव और सिखाने के भाव, कीप अलाइव योर स्टूडेंट एलिमेंट एंड योर गुरु एलिमेंट, यू आर ऑल्सो वन ए गुरु। वी गॉट ए एजुकेशन, द कल्चर्स एजुकेशन, कि यू ऑलवेज पे द ग्रेटिट्यूड टू अवर एंसेस्टर्स, टू अवर गुरु या टू योर डिवाइन या योर डीटी। वॉट एवर वर्क यू डू ओनली, आप अपना दर्द आप सहते हैं, तकलीफ आप करते हैं, बस हम उसकी कृतज्ञता उनको देते हैं। गुरु पूर्णिमा मतलब मेरे हिसाब से, मेरे शब्दों में, आप सब लोगों से ही पूछा, मेरे शब्दों में गुरु पूर्णिमा एक रिजल्ट है कि हमने पूरे वर्ष गुरु से क्या नॉलेज लिया और क्या कितना अप्लाई हमने अपने ऊपर किया, और गुरु को कृतज्ञता देना गुरु पूर्णिमा का एक दिन है। कृतज्ञता किसकी? सुचेंद्रा ने बोला कृतज्ञता किसकी, किसकी, किस ज्ञान की? वो ज्ञान आपने अपने ऊपर अप्लाई करा क्या? लाइन सुनिए चार, गुरु ज्ञान बिना अधूरा। ध्यान देना शब्दों पे, एंड जया यू कन्वर्ट इन इंग्लिश ऑल्सो इन द लास्ट, ना, गुरु ज्ञान बिना अधूरा, गुरु ज्ञान बिना अधूरा, जो ज्ञान
भाव न लाए वह ज्ञान अधूरा। गुरु ज्ञान बिना अधूरा, जो ज्ञान भाव न लाए वह भाव अधूरा। जो भाव किसी क्रिया में न बदले, एक्शन में अप्लायमेंट, जो भाव किसी क्रिया में न बदले वह भाव अधूरा। और जो क्रिया किसी तृप्ति में न बदले वह क्रिया अधूरी। तो उस ज्ञान की तृप्ति को महसूस अगर आपने किया है तभी आप एक सच्चे शिष्य कहलाओगे, नहीं तो बाकर सिर्फ ड्रामा है, औपचारिकता है। अंदर से दिल से यहां से एलिमेंट जो सुचंद्र ने बोला, सुशी ने बोला गुरु एलिमेंट, गुरु एलिमेंट व्हाट? व्हेन गुरु एलिमेंट एनलाइटेड, व्हेन वी सी द फाइव एलिमेंट बॉडी एंड व्हाट एवर नॉलेज, गुरु नेवर लिव इन द फाइव एलिमेंट बॉडी लाइक अश्विन सेज, ही ऑलवेज लिव इन द वर्ल्ड। And if that word you apply on your own life, that time you become a disciple. मैं नहीं मानता कि गुरु गंडा बांधा ले, वो गुरु दक्षिणा पक्षिणा क्या होती है वो लेकर वो बांध कर गुरु बना ले, हमारे गुरु हो उनको गुरु बना ले, लेकिन उनका गुरु का ज्ञान अपने ऊपर अमल। पब्लिकली आई अप्रिशिएट एलेवली, रियली रियली मे बी पॉसिबल शी इज गेटिंग नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट पीपल, बट ऑल नॉलेज शी अप्लाई। और आप लोगों को मैंने बोला, आप लोगों से भी मैंने सीखा है, ऐसा मत सोचे कि मैं ही सीखा हूं, आप लोगों से ही मैंने सीखा है। कहीं ना कहीं आप मुझे कृतज्ञता दे रहे हो तो मैं भी आपको कृतज्ञता दे रहा हूं। अब मैं एक एक का नाम लेके बताना चाहूंगा, बता भी दूंगा मैं कि एक एक के विंडो के ऊपर जो जो चेहरे मेरे सामने है, हर्ष हो गया, अश्विन हो गया, भारती हो गया, एलेवेली हो गए, ये सब क्या क्या सबसे सीखा कुछ, और सबसे कुछ बाला से भी सीखा है मैंने, हाउ टू कंट्रोल। अभी मैं पब्लिकली बोल नहीं पाऊंगा, तो सब चीजें सीखता है वही जीवन के, किसी के जीवन से सीखना और अपने जीवन पर अप्लाई करना सच्ची गुरु पूर्णिमा। न जाने कितने गुरु मिलेंगे आपको, एक ही गुरु पर ध्यान मत, एक गुरु। चूंकि हम कलयुग में रह रहे हैं, वह सत्युग था जब देव लोग असुर लोग बिल्कुल अलग अलग होते थे, सिर्फ देवता ही लोग आपस में बात करते थे। हमने कहा त्रेता युग आया, त्रेता युग में दो देश हो गए श्रीलंका। हाँ, द्वापर युग आया, इसमें एक परिवार हो गया, और ये कलयुग हैगा। इन द कलयुग ए वन ह्यूमन बी देर इज ए वन असुर एंड देवता, बहुत एलिमेंटर देयर। तो आपको देखिएगा वो भी गुरु पूर्णिमा बनाता है जो जेब काटना सीखता है, यार भैया आज मेरे गुरु से मिलने जा रहा हूं। यस, उसके लिए भी वो गुरु वही है, क्योंकि उसको रोजी रोटी देने वाला वही है गुरु। 50 साल का वो जाता कुछ गिफ्ट लेके, यार गुरु से सीखा तो इससे जेब काटना सीखी मैंने, मेरी रोजी रोटी चल रही। यस नो, ठीक है, ही इज राइट। भगवान ने कभी किसी को कर्म से नहीं रोका, वो जेब काटता है, चोरी करता है, डाका डालता है, वो उसका कर्म है। आप जज मत मानो, आप अपने आप को सुरक्षित रखो, और ऐसा लगता है कि आप समझा सको तो कुछ समझाओ, लेकिन बाद में अपने आप को सुरक्षित रखो। और आपको यह सब चीजने के लिए आपके जीवन का प्रथम गुरु कौन है? मैं तो माँ के आने के बाद, पिता के आने के बाद, दो छोटे भाई बहनों के आने के बाद, शिक्षक के ज्ञान देने के बाद, जब आपका विवेक जागृत होता है, वह आपका विवेक भी आपके जीवन का प्रथम गुरु होता है। आपका विवेक कहेगा किसको बनाऊं गुरु, किससे ज्ञान लूं, जेब काटने वाला सर तो वो भी गुरु बनेगा। गुरु एलिमेंट एक डिलीवर ऑफ द नॉलेज बस। और कैलकुलेशन आपके जीवन में भी कैलकुलेट करेगा, कई लोगों ने आपने गलत भी सीखा होगा किसी से, उसको भी चेक करिए। कैलकुलेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ द नॉलेज बिटवीन सप्लाई एंड अप्लाई मैनेजमेंट। आप मेरा निवेदन है आप लोगों से हाथ जोड़ के, आज मेरे को गुरु दक्षिणा में आपसे यही चाहिए कि आप पूरे साल भर का कैलकुलेशन करो। जो भी गुरु हो, मैं ऐसा नहीं कि मेरे तक सीमित रहो, वी ऑल आर द गुरु। क्या नॉलेज आपने सीखा,
अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, एक 1.5 साल की बच्ची है, इंदौर शहर में रहती है, उसको 150 कंट्री के फ्लैग याद है, तो मैं कल उसको बना के बनाने जाऊंगा गुरु, अगर मुझे पता मिल गया उसका। क्यों? आई वॉन्ट टू गिव द मैसेज टू द सोसाइटी, टू द ग्लोब, गुरु एक दाढ़ी वाले आध्यात्मिक बंदे का ही नाम नहीं है, एक चीज और। आज आप सब लोग प्यार से मुझे गुरु जी बोलते हैं, कृष्णा गुरु जी बोलते हैं, आई मे लाइक ए सिंपल मैन लाइक यू, और मैं आप लोगों के अंदर के गुरु एलिमेंट को भी जगाने का मेरा काम है, वो मैं समय समय पर आपको जगाते रहता हूँ। आप मेरे कोई भी, जब से आप अटेंड करा, कभी मैंने अपने आप को हाईलाइट करके आप लोगों को डोमिनेट नहीं करा। कल मैं 1.5 साल की बच्चे से अगर मिला तो मैं मिलने जाऊंगा उससे। तो ज्ञान जिससे भी मिले, हमने कहानी सुनाई थी आपकी, एक छोटी सी कहानी सुनाई थी कि एक बहुत सफल इंसान था, गुरु था उच्च श्रेणी का, उसको बोला कि आपके जीवन का गुरु कौन है। उसने कहा कि मेरा सबसे जीवन का गुरु है एक चोर। बोले चोर किसे? तो गुरु जी कहते रात को पानी बरस रहा था, डर रहा था मैं कहां जाऊं, अकेला विहार में निकला, एक झोपड़ी में जगह मिल गई, मैं रुक गया। वो झोपड़ी में व्यक्ति सो रहा था, मैंने कहा आश्रय दो, उन्होंने आश्रय दिया। फिर मैंने कहा आप करते क्या? बोले साहब चोरी करता हूं, और इनका धर्म धर्म भ्रष्ट हो गया ये सब सोच रहे, पर भी उसको रुकना था। वह रात को 1 बजे उनसे हाथ जोड़ के जाता, मैं काम पे जा रहा हूँ साहब, बोले जाओ साहब आशीर्वाद दो। तो वो गुरु क्या करे, वह गुरु आशीर्वाद दिया उसको तो सफल हो, है ना, कभी ये थोड़ी बोलेगा कुछ। उस दिन उसको कुछ नहीं मिला, तो वह आया वापस, तो बोले गुरु जी आज खुशी खुशी आया, आज कुछ हाथ नहीं लगा। गुरु एक दो दिन उसके पास रुक गया देख चेक करने के लिए। वह रोज ऐसे ही जाता आशीर्वाद लेके और कुछ नहीं होता, और आके धन्यवाद देता, गुरु जी आप मेरे घर में हो, आपकी सेवा कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है, आज भी कुछ नहीं लगा। ऐसे 15 दिन बीत गए और गुरु प्रार्थना भी नहीं कर सकता था उसके लिए कि ये भगवान इसको अच्छी कमाई मिल जाए, ये लूट का बन जाए। तो उस गुरु ने कहा कि मेरा प्रथम गुरु है वो चोर, जिसने मुझ मतलब ये सीखा कि विश्वास कर, बाकी तेरा काम कर्म पे रख, तेरा कर्म गुरु करने नहीं आएगा, कर्म किए जा, सक्सेस मिलना नहीं मिलना ऊपर वाले के हाथ। तो गुरु तो एक को मान लिया, बाकी गुरु जगह जगह मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे गुरु आपको, और आज की तारीख में तो मल्टीमीडिया सोशल मीडिया में ये स्वाति उठ के जाती होगी, एक वेद बता दो ये क्या करना है। यू आर गेटिंग द नॉलेज फ्रॉम योर चिल्ड्रंस इस कलयुग। आज बताओ कहीं वादा होता, हम बच्चों से पूछते हैं, वो भी एक ज्ञान ले रहे हैं उससे, वो आपके बच्चे आपके मोबाइल में आपके सेटिंग करती, मम्मी ऐसा मत करना ऐसा करना, दिस इज ऑल्सो नॉलेज। तो नॉलेज को एक आध्यात्म तक सीमित मत रखो, एक कृतज्ञता देना गुरु को अपना काम है, बट कृतज्ञता देने के साथ उस गुरु को प्रणाम करने के साथ साथ ये भी सीखो, इस गुरु से हमने क्या सीखा और क्या अप्लाई अपने ऊपर किया, ये जरूर करें। आप किसी भी गुरु को मानते हैं, मैं प्रणाम करता हूं उस गुरु को भी, उस गुरु के पास जाए, उस गुरु से बात करें, इस पिछले साल भी इस गुरु जी को पूजा था, इस साल भी इस गुरु को पूज रही हूं, ऐसी कौन सी बात है ये साल में मैंने ये गुरु की बात मान के अपने जीवन पे अप्लाई करी। वह अप्लाई की जो उन बातों को याद कर, अपने गुरु को स्मृत याद करना एक सच्ची गुरु पूर्णिमा है। यस, ज्यादा भारी तो नहीं हो गए आप लोग? ओ माय गॉड, गुरु जी आज नॉलेज डिलीवर करे जा रहे हैं, है ना। तो मैं तो आपके अंदर के गुरु एलिमेंट को प्रणाम करता हूं, जो लोग आपको भी गुरु के रूप में देखते हैं। और कभी कभी एक जिंदगी में ध्यान रखना एक बात को, आज आध्यात्मिक लोग हैं शादी नहीं करते, है ना, अकेला जीवन जीते हैं। कई बार ऊपर वाला कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित करता है कि हम चाहकर भी हमें कोई इश्यू नहीं होता, हमारी शादी नहीं होती,
तो कहीं ना कहीं क्या हमें भीड़ का हिस्सा ही बनना है? हमारा जीवन वो चला रहा है, वह श्वास सुबह से शाम तक देख रहा है, वह जैसा करेगा हम काम करेंगे, पर अपने विवेक के साथ। बस इसे कहा ना, जाही विधि राखे राम ताही विधि राही है। अपनी सजगता के साथ उसको कूट कूट के मालूम है आपको क्या चाहिए, आपका गुरु हो या डीटीओ सबको मालूम है आपको क्या चाहिए, और वो मिलना तय है। मैं इस बात को अस्वीकार करता हूं कि आज आपके जीवन में जो भी सुख समृद्धि तरक्की आध्यात्मिकता है वो गुरु के कारण है। हाँ, ये बोल सकता हूं ज्ञान की वृद्धि में गुरु कारक हो सकता है। आप में से कुछ लोग होंगे, अरे गुरु जी आपने जीवन बदल दिया हमारा, आप मिले जब से मेरी नौकरी लग गई, ये लग गई, उससे जोड़ देते हैं कि भैया जिनकी नहीं लगी जो अभी तक ढूंढ रहे उनका क्या गुनाह था। तो मैं कभी इस आर्थिक संपन्नता, कोई कार हो गया, इसको कभी गुरु से नहीं जोड़ता हूं। मैं तो किस से ज्ञान से गुरु को जोड़ता हूं कि ज्ञान कौन सा आपने गुरु से लिया और अपने जीवन में अमल पाकर तृप्ति का अनुभव में सुखा। अगर आपने उस ज्ञान से तृप्ति पाई है तो आप संपूर्ण शिष्य हो, और उसी ज्ञान को सीखकर आप जब डिलीवर करते हो किसी और को और वो भी अप्लाई करता है। मैं आपको मेरी घटना पुनः सुनाता हूं। श्री श्री रविशंकर आई फॉलो एज ए गुरु, आर्ट ऑफ लिविंग में था मैं इन्वॉल्व, मेरे को मजा नहीं आया है बिकॉज दीज आर जस्ट लाइक ए क्राउड। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऑलमाइटी आई गॉट ए वन टर्न इन माय लाइफ, की टर्न आया मुझको लाइफ में ऐसा कि हीलिंग में मेरे को लोग आगे चल के, मैंने कभी नहीं क्लेम किया, मुझे कृष्णा गुरु जी बोल गए, क्योंकि मैंने वो आईडी बनाया था गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी को प्रणाम किसको? रविशंकर जी को, उन गुरु को। लेकिन मैं बन गया। यही प्रश्न जब मैंने उनसे कहा, क्योंकि हम अपने आप को छोटा समझते हैं, जैसे आप मान रहे हो अरे गुरु जी आप तो अलग चीज हो, हम में क्या पावर। हमने शीशी से पूछा कि हमारी लंबी चर्चा हुई, मैंने कहा हमने कहा गुरु जी हमको लोग कृष्णा गुरु जी कहते हैं। तो रुके वो पलटे मेरा चेहरा देखा, बोले यू हैव एनी प्रॉब्लम? तो हमने कहा नहीं प्रॉब्लम है। बोले देन इस अप टू यू, मेरे शिष्य हो आप, आपको कहाँ काम करना है ये मेरा विषय नहीं है। आप कृष्णा गुरु जी बोले आपके सामर्थ्य है, आपकी ताकत है, आप काम किए जाओ। वो गुरु की सबसे पहली ख्वाहिश क्या होती? तब से मैंने मुक्त हो गया अपने आप को, क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग में भी कृष्णा गुरु जी बोलते थे तो मैं सोचता था लोगों को लग रहा है यार ये आर्ट ऑफ लिविंग में रहकर कृष्णा खुद गुरु जी बन गया, दुकान खोली, जबकि मेरे पास फाइनेंशियल मैटर कुछ है नहीं, आप लोग जानते हैं वहां फाइनेंशियल मैटर था, मेरे को वो चीज समझ में नहीं। तो मैं वो प्रोफेशनली आर्ट ऑफ लिविंग के स्ट्रक्चर अलग हो गया, लेकिन गुरु को तो आज भी गुरु मानता हूं। और आप सब लोगों से जो मिलती है मैं अपने गुरु को समर्पित करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं गुरु एक शरीर नहीं है, गुरु एक नाम नहीं है, गुरु एक जरिया है जो आपको ज्ञान से जोड़ता है। तो गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा की पूर्णता, आज बहुत समय है आपके पास, कल भी गुरु पूर्णिमा है। अपना साल भर का कैलकुलेशन करें, अगर कुछ नहीं हुए तो इस साल से कमिटमेंट में कि अगली बार में जो भी ज्ञान सीखूंगी, जो भी गुरु के द्वारा मिलेगा, वो बोले कोई भी हो, कृष्णा गुरु जी का ठप्पा नहीं है। आप जिससे भी जुड़े हो विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं, अपने विवेक अपनी सजगता के साथ। क्योंकि हम कहते हैं कि संत बिटव सरितागिरी धरनी, संत बिटव सरितागिरी धरनी पर हित हेतु इनकी करनी, संत वृक्ष पर्वत नदी और धरती ये दूसरों के लिए बनी है। जब ये सोचता हूं मैं अपने आप से, जब संत लोग स्वहित पे आ गए, जो आप जानते हो, तो हम ग्रस्त के लोगों को संत के रूप में आप लोगों के बीच में आना पड़ा और ज्ञान से रूबरू कराना पड़ा। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड आई फील कुडास माई सेल्फ कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन आप लोग इतने प्यार से इतने लोग इकट्ठे हुए,
मैं जानता हूँ आप लोग मन से बड़ा भाव रखते हो, प्यार करते हो, ये करते हो, सब रखते हो, लेकिन आप अपनी प्रायोरिटी के साथ करेंगे। मेरे ही आपको आदेश है कि अपनी प्रायोरिटी के साथ आप रहें, लेकिन प्रायोरिटी के साथ रहें, लेकिन अपने अंदर के गुरु एलिमेंट के भी साथ रहें, जो गुरु तत्व होता है, जो याद दिलाता है आपको ज्ञान की। और ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं, ज्ञान से ही आप जिंदगी में कितनी बड़ी से बड़ी विषमता, तकलीफ, पीड़ा पार कर सकते हो। आप खुश रहो, मस्त रहो, मुझे कोई कॉल मत करो, चलेगा। बट मैं चाहता हूं आप कभी वो परिस्थिति आए नहीं, पर जब भी पीड़ा में हो, तकलीफ में हो, तो मुझे आप जरूर याद करो। और आप ये मत सोचना कि मेरे को तकलीफ होगी, मेरे को मालूम है कि आपको तकलीफ है, जस्ट गिव मी कॉल, क्योंकि मैं भी आपकी तकलीफ पूरी तो दूर नहीं करूंगा, लेकिन आप में उस तकलीफ को सहने की ताकत जरूर, भरने की ताकत रखता हूं। बस बाकी सब तय है, सब अपने अपने घरमार लेकर आए हैं, जो भी करना है कर्म के हिसाब से खेल हो रहा है, जो पीड़ाएं झेल रहे हैं आप सब अपनी झेलना है। कुछ आपके द्वारा ही पैदा की गई, कुछ अपनी पसंद नापसंद के द्वारा पैदा गई, कुछ अपने एटीट्यूड से पैदा की गई, कुछ अपने अहंकार से पैदा की गई। यह समस्याएं सब आपके द्वारा ही पैदा की हैं। आप एक जना बोलता है मुझको कि गुरुजी अच्छाई है, बुराई क्यों इस दुनिया में? क्योंकि बुराई कहां दिखती है तुमको? तुम्हारी दृष्टि में बुराई है। पुनः यह कहानी इंगित करना चाहूंगा कि एक बार कृष्ण ने दुर्योधन और अर्जुन को भेजा, अर्जुन को कहा कि तू अच्छा आदमी ढूंढ के ला, खराब आदमी ढूंढ के ला। और दुर्योधन को कहा कि तू अच्छा आदमी ढूंढ के ला, ना दुर्योधन को अच्छा आदमी मिला, ना अर्जुन को खराब आदमी मिला। तो अच्छा खराब कहाँ है? आपकी सोच में। देखो सब अच्छा, सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित रखें, जो भी पीड़ा परेशानी उसको साथ में लेकर चले। एंड आई एम विथ यू, एंड स्पेशली व्हेन यू आर हैप्पी, मे बी पॉसिबल यू कैन इग्नोर मी, बट व्हेन यू आर इन द ट्रबल, माय फोन इज 24/7 विद दैट फीलिंग यू आर नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब गुरुजी। गुरु इज जस्ट अ नेम बिटवीन 5 रिलेशन नेम, गुरु, मात, पिता, गुरु, बंधु, सखा। जब भी तकलीफ होते तो माता जी को याद करते हो, पिताजी को याद करते हो, भाई को याद करते हो, या किसी दोस्त को याद करते हो। इसके अलावा कोई पांचवा कैरेक्टर आता है? हाँ या ना बोलो? नहीं ना। पति से भी झगड़ा हो गया तो ये 4 दिनों से बात करोगे, या पति से झगड़ा हो गया तो वो 4 दिनों से बात। इन चारों लोगों का, चूंकि आपके जीवन में कभी विषमता आए, पहले तो भगवान से प्रार्थना करता हूं आए नहीं, आए ना, तो डोंट शेयर विथ योर पेरेंट्स, डोंट गिव एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस ऑफ योर लाइफ टू योर पेरेंट्स। मैं सबको यही बोलता हूँ, जस्ट थिंक, गुरु कहते हो ना आप, तो फिर माता, पिता, भाई, बहन और दोस्त के सब अधिकार मुझको दो। अगर आप मुझे कहते हैं गुरु, तो ये सब अधिकार मुझको चाहिए कि जब माँ को याद करो, उनको तनाव देने के बजाय आप मुझसे बात करो। ये मेरा आज हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है। आपकी माँ बुजुर्ग है, अपनी दूसरे बच्चों की परेशानी, उनकी माँ को अपन अपनी परेशानी बोल रहे हैं, कैन शी डू समथिंग? नथिंग। वह पीड़ा उसकी और बढ़ जाएगी। मेरा जीवन है यार, मेरे जीवन की पीड़ा मैं किसी और को शामिल क्यों करूं? ये गुरु जी है ना, इनसे बात करती हूँ, इन्हें जिम्मा ले रखा। ठीक, यस, गुड। कीप अ स्माइल ऑन योर फेस एंड जस्ट एज अ गुरु टुडे आस्किंग एज अ डोनेशन, गिव मी द रोल ऑफ योर लाइफ, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर एंड फ्रेंड। जब भी इस रोल के कभी लंबी लगे, आप मुझे कॉल करो, मैं आपको उसी भाषा में आपसे बात करूंगा। जब दोस्त से बात करना होगी, जब दोस्त के रूप में बात करूंगा, जब पिता का डर की बात होगी, पिता के रूप में बात करूंगा, माँ के माँ के रूप में बात करूंगा, भाई प्रोटेक्शन, भाई बहन के रूप में बात करूंगा। बस पीड़ा हो जब भी बात करो, आप खुश रहो, मुझे कोई गिला नहीं, भले सेशन में नहीं आओ आप, चलेगा। आई एम वेरी हैप्पी टूडे गॉट ए गुड ह्यूज प्रेजेंस। अब
इसको डोंट टेक अदर वे, इस पे कहीं ना कहीं ये रहता है। जैन किसे कर दे सेशन, अरे आज गुरु पूर्णिमा, अरे कृष्णा गुरु जी सेशन जैन कर लो उनका, तो हमारा गुरु पूर्णिमा बन जाएगा। कुछ लोग ऐसी श्रेणी के होंगे कि गुरु पूर्णिमा मना लें, नहीं, गुरु पूर्णिमा तो रोज का त्योहार है सर। नंबर तीन, आज के दिन जो टिप आपको दे रहा हूं, आपकी जो भी परेशानी तकलीफ बॉडरेशन वरीज आप लेकर चल रहा है, वो भले रिश्तों से दूरी हो या शरीर की बीमारी हो या कोई चीज का अभाव हो, ये सब चीजें आपसे बड़ी नहीं है, इस बात को आप स्वीकार करो। नो पर्सन नो सिचुएशन नो थिंग इज बिगर देन यू, यू आर मोर बिगर देन, आपसे बड़ा सिर्फ एक ही है, आपके पेरेंट्स। ओके, नाउ इज ओवर ऑफ द टुडे सेशन एंड जस्ट वी डू फॉर द मेडिटेशन 15 मिनट्स। नाउ प्राउडली से टुडे इज ग्रेग विथ अस। ग्रेग इज अ पर्सन ऑफ, ग्रेग आर यू गेटिंग माय वॉइस? ग्रेग आर यू गेटिंग माय वॉइस? यस ग्रेग, आई वांट टू अनम्यूट यू। या रिच, यू आर अनम्यूटेड नाउ। Great blessing, yeah. Krishna Vishi, many blessings. Just show your face to all of us. Hello, Guruji. Blessings. So hi, everybody. Namaste. Hi, everybody. Blessings. He's so lovely couple of the CATL. Really, in the 19, she went with me on the cruise for the celebration of Global Hearing Day. Every time, whenever I go CATL, I used to go in the house. Oh, lovely couple, and especially Krishna Meniji is a one type of corona warrior, and especially she is working in the medical field. So that's why she is always in the seva mode, in working mode. And great is a good knowledge about the Bible and about our Bhagavad Gita. So now one another guru is us. Just we want to know guru. Great, can you enlighten us what the meaning of Guru Purnima? He was asking what is the Guru Purnima means. I wasn't thinking about addressing that. I was just, what I was planning on doing is letting everybody know that they can come and join me. Have you heard about the Guru Purnima? Greg, have you heard about the Guru Purnima? No, I haven't heard of him. It's okay. No. Welcome from our Divine Astrology family, and it's our family's humble request that you join on the 4th of July, 8:30, same time. We organize a prayer for humanity and world peace on every country's Independence Day. Now, 4th July is American Independence Day. On that day, if your time allow, I think as per your time is 8 o'clock in the morning. Yeah. Well, I start at 7. What the time, Jaiji? Jaiji, time. Oh, yeah. Yes, 8:42 a.m. I know. Yes. It's 8:42 a.m. for us, Guruji. Yes. 7:45. 8:42. I will let them know, Guruji. It's the same time. I will communicate with them to join. Yeah. Yes. I think I have that day off on my video streaming. I usually video stream in the morning for about 2 hours or so. Of teaching the Bible and the Bhagavad Gita as it is. So you guys can all join me 7 days a week, early in the morning, from seven on. Okay. I will send YouTube. You a link. Just I want to say, I request you to, from the behalf of my family, you join on that particular 4th of July, on the particular time you can coordinate with the Jaya. Okay? Yeah, you can depend on us. We'll be there. Okay. Thank you very much, Greg. So, you're welcome, Krishna. Well, we just go for simple meditation, but before that, we want to change something on the guru element. Okay, would you like to sing chant? Hum guru ka dhyan, kuch guru ke shabdon ke baat saath hi hum guru karenge. Keep your eyes closed. Take a long, deep breath. Visualize your own name. What is your name?
if your name is Jaya, Swati, it's only one name. What name your mother say, your brother, your son, recognize all the names which represent this five element body. आपके इस पंच तत्व शरीर को जो जो नाम रिप्रेजेंट करते हैं उन सभी नामों पर अपना ध्यान दें। Become aware of your own body. Visualize your mother face. Visualize your mother face. Your father face. Your teachers, your siblings. Keep attention on your throat area and just pay the gratitude to your all relations who are born and brought up. Guru Mat Pita Guru Bandhu Sakha Guru Mat Pita Guru Bandhu Sakha Tere Charano Mein Swami Mere कोटि प्रणाम. सब याद करें माता पिता उनको. गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम. प्रियताम तुम्हें प्राणनाथ तुम्हें प्रियताम तुम्हें प्राणनाथ तुम्हें मन के नाथ तुम्हें मेरे सांब शिवा. गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम. तुम्ही प्रेरणा तुम्ही साधना तुम्ही प्रेरणा तुम्ही साधना तुम्ही आराधना मेरे सांब शिवा. तुम्ही आराधना मेरे सांब शिवा. गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम. तुम्ही भक्ति हो तुम्ही शक्ति हो तुम्ही भक्ति हो तुम्ही शक्ति हो तुम्ही भक्ति हो तुम्ही शक्ति हो तुम्ही मुक्ति हो मेरे सांब शिवा. गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम. गुरु ब्रह्म
Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha Tasmai Shri Gurave Namaha Guru Mat Pita Guru Bandhu Sakha Tere Charano Me Swami Mere Koti Pranam प्रियताम तुमी प्राणनाथ तुमी मन के नाथ तुमी मेरे सब शिवा गुरु मात पिता गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर Guru Narayana, Guru Narayana, Guru Narayana, Guru Narayana, Guru Narayana, 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 Guru Narayana, 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 Mata Narayana, Pita 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 Narayana Guru Narayana 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 Shwas Narayana 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 Tujhme Narayana Mujhme Narayana Tujhme Narayana Mujhme Narayana Tujhme Narayana, Mujhme Narayana, Tujhme Narayana, Mujhme Narayana, Tujhme Narayana, Mujhme Narayana, Sabme Narayana, 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 Sabme Narayana, 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 Guru Narayana, Narayana, Narayana. Thanks. Become aware of your throat area. Just pay the gratitude to all the people to whom you receive the knowledge. जिन जिन से आपने ज्ञान लिया है उन पर कृतज्ञ भाव के साथ displayed the gratitude is full of gratitude of the knowledge to receive from your any five element person is called Guru Purnima. Pay attention on the navel area and chant three times Guru Om
And this life is your parents, your life guru. A guru is not on this planet. Three times change the guru. Take a long deep breath. Guru. Take another breath. Guru. Guru. That all your botheration, worries, desires. In Guru, Guru is ready to take your botheration, worries, and ready to give the power to handle your situation. Just surrender. Samarpit kare apni samast pareshaniyan, tanav. गुरु के पास जिसको भी मानते हैं और मांगे उससे शक्ति. तुम ही भक्ति हो, तुम ही शक्ति हो, तुम ही मुक्ति हो. नाउ विजुलाइज द फेस दोस पीपल दोस थिंक यू एज अ गुरु इज योर चिल्ड्रंस. आपके बच्चे जी भरकर आशीर्वाद दें उनको. वह जो चाहें उनको मिले पर उनके हित में हो. जो उनके हित में हो वो उनके साथ हो. यू आर नॉट श्योर दैट हाउ मेनी पीपल आर सीइंग यू इज ए गुरु इन यू. Just pray, heal, and bless all of them. Become aware of your own face. Recall your name. Whenever you feel complete, you can open your eyes. जब भी पूर्णता लगे अपनी आंखें तृप्त भाव के साथ कृतज्ञ भाव के साथ खोल सकते. Take a glass of water. Keep one hand on your glass. And again the keep the hand on your head. अपने हाथ पर रखें, अपना हाथ अपने सर पर रखें. Keep your hand on your head. Just bless this five element body. Give power to fight their own moderation worries. Never give up in the front of any person, situation, or anything. So remove the hand and drink the water. Pani ka sevan kare. Guru Purnima ki purnata ki aapko bahut bahut badhai. पूर्णिमा पूर्णता ज्ञान की पूर्णता एक गुरु पूर्णिमा है. आई एम वेरी हैप्पी टू सी माय यू नो ब्यूटीफुल गार्डन विद द डिफरेंट कंट्रीज
different flowers, Kanchanji, everybody, my God, I can say more than an hour for every person. मैं आज आपको बोलूंगा हर व्यक्ति के बारे में, वो अविनाश हो या स्वाति हो या पपिया हो, एलो वैल्यू में एक घंटा बोल सकता हूँ उनके बारे में, जो आपको भी नहीं मालूम होगा। और ये नहीं कि मैं कोई अंतर्यामी होकर आपको याद करूं, मैं आपकी वार्तालाप से ही मैंने आपको लिया है। मैं मीता में मुझको क्या करेक्ट करना मेरे को दिखता है। आभा जी तो चलो ठीक है अपने आप में, प्रतिभा जी हैं, सरोजनी जी हैं, रिंकू जी हैं, शुभम जी हैं, नीरू है, अनिल कुमार जी हैं, क्रेग इज ऑल्सो लाइव पर्सन, सुचिंद्रा, मंजू, बालाजी, बालाजी केम आफ्टर लॉन्ग टाइम, बट इट्स इंडिकेट द पर्सन इज कनेक्टेड विथ यू। फिजिकल प्रेजेंस सेशन में देना इज पिनट, यू आर कनेक्टेड, देयर इज अ मीन। हीना, रूपा जी, हेमलता जी रेगुलर, पपिया, एलोवेली, अमर ऑल्सो टेक ए वेरी ब्यूटिफुल पार्ट, his husband of Papiya, Amar is a regular since last year. And always apply the knowledge, always keep the involvement. And Harsh, everybody sent me the beautiful message. All I surrender to them only. क्योंकि हमें संस्कार है, हमें सिखाया गया है कि जो तेरी मेहनत का कार्य तू भी कर रहा है वह तू किसी को समर्पित कर। You surrender to your Guru, either surrender to your deity. If you not surrender, keep with yourself, it enlightened ego, karta bhav, ahankar lekar aayega. To aap logon ne sab ne mere bare mein likha, mujhe alag alag message kiya, Guru ji aapke jivan mein aa gaya, maine wahi aapko hi samarpit kar diya. Kyon? Kyunki vah kripa aapke kar se aayi hai, mere se nahi aayi. Aapne kiya hai to paya hai. बस हमारे संस्कार है कि हमने जो किया वह हमारे बुजुर्गों को, पेरेंट्स को, अपने गुरु को समर्पित करते हैं। वही मैंने आपके कर को समर्पित किया है, जितने भी मैसेज मेरे पास आए हैं आपको ही समर्पित किया है। आप सभी खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें और प्रसन्न रहें, और हर चीज, कोई भी परिस्थिति हो, किसी भी परिस्थिति हो, से बड़े आप हैं। जहां अपने आप को छोटा महसूस किया, मेरा फोन आ जाएगा आपके पास, या आप मुझे फोन लगा देना, या गुरुजी समझ नहीं रहा, मैं वो परिस्थिति को खत्म नहीं कर पाऊं, हो सकता है, लेकिन उस परिस्थिति से आपको बड़ा करने की ताकत रखता हूं, या आपके सामने क्लेम करता हूं। यू आर मोर बिगर देन योर सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस। Whenever you feel any situation or any circumstances dominate your existence, just give me call. Okay? And I'm sure you all are the warriors. And so blessed to see all of you, especially a few faces who are not coming regularly. Especially Greg, Meeta, Balaji. Yes, Kanchan, you want to ask? Yeah, I'm unmuted. Guruji, pranam Guruji. पूछना नहीं है गुरुजी, बस थैंक्स बोलना है कि आपने जो भी हमको नॉलेज दिया है, बस हम उस नॉलेज पे हम चलते चले, फॉलो करें, बस यही आपसे हमको दुआ चाहिए, ब्लेसिंग्स। एंड सब धा परिवार की तरफ से गुरुजी आपको प्रणाम एंड हैप्पी गुरु पूर्णिमा। आपके सभी के थैंक यू वेरी मच कंचन जी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू वेरी मच कंचन जी, थैंक्स फॉर योर ग्रेटिट्यूड ऑलवेज, व्हाटएवर I always follow Ashtavakra, Gita, I always say everything is happening. मैं भी एक माध्यम बनकर आपके जीवन में आया हूँ, कुछ पानी आपके पास तक आना चाहता था, कोई ऊर्जा आपके पास तक आने वाली थी, मुझे एक पाइप के रूप में बना दिया गया ऊपर वाला ने, मैं एक पाइप के रूप में काम कर रहा हूँ, आपके भाग्य का ही पानी है जो आ रहा है, बस मैं अंदर महसूस कर रहा हूँ उस पाइप के पानी से थोड़ा गीलापन, थोड़ी तृप्ति का अनुभव मैं भी करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स ऑल to join this session and very wonderful gathering today, and I appreciate, and again I request you that on the 4th of July is a working day on the Tuesday, but in the US people, those are having the holiday, please try to join the celebration. Okay,
And anytime, 8:30 daily, we are taking the session. And खुश हैं, सुखी हैं, संबल रहे हैं. गुरुजी का पूरा आशीर्वाद सदा हर सांस के साथ आपके साथ है. इस बात के लिए नहीं कि मैंने सेशन ज्वाइन नहीं करा, मैंने गिल्ट. डोंट कीप एनी टाइप ऑफ गिल्ट. इफ यू आर विथ यू, यू आर विथ मी. खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य.